हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि आज आपका पेपर हुआ होगा, आई होप सो कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और पेपर में कुछ कुछ प्रॉब्लम भी आपके कुछ इस लेवल के थे जो आपके कंसेप्चुअल नहीं थे बच्चों, लॉजिकल प्रॉब्लम्स थे। तो देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ताकि आपको हेल्प मिले आगे जाके क्वेश्चन सोल्व करने में। आगे आपको आइडियोलॉजी लगे कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को हमको किस तरीके से डील करना है। ठीक है, आप डीलिंग मेथड समझो बस, मैं किस तरीके से डील कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हाट द एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द फोर एलिमेंट आर। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ फोर एलिमेंट्स आर मतलब चार एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमको किस तरीके से दिया हुआ है। पी आपका 1s2, ठीक है। क्यू आपका क्या दिया हुआ बच्चों यहाँ पर, 1s2, 2s2, ठीक है, और 2p2। आर आपका क्या दिया हुआ है, 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है, और एस आपका क्या दिया हुआ है, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। अब आपसे पूछा है, द टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड मैक्सिमम इन द टेंडेंसी टू फॉर्म मैक्सिमम टू इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इन, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंट बॉन्ड का मैक्सिमम टेंडेंसी आपका किसमें है फॉर्मेशन करने में। सबसे आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आपको मैंने बताया था कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, Na+ गैस और Cl- गैस होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आपका सबसे इजीली किसमें बनेगा बच्चों, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी सबसे ज्यादा होगी। अब देख सकते हो बच्चों कि यह वाला जो है आपका फ्लोरीन है, ठीक है। आर आर आपका जल्दी से क्या करेगा, इट कैन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म आर माइनस इज नाउ व्हाट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। अभी आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा, और इस वजह से ये आपका जल्दी से टेंडेंसी की ओर मूव करेगा। लेकिन इसको कितने इलेक्ट्रॉन, या तो ये आपका चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या तो ये आपका कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बच्चों, चार इलेक्ट्रॉन। तो चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में काफी आपको प्रॉब्लम आएगी, जल्दी से जल्दी बनाना है। अब यहाँ पर तो ये तो आपका क्या है बच्चों, नोबल गैस, तो यहाँ से ना तो मैं इलेक्ट्रॉन ये इसके ऊपर मैं चार्ज को ऑप्टेन कर ही नहीं सकता ना। यहाँ पर भी ये वाला क्या है बच्चों, आपका नोबल गैस। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। तो यहाँ पर टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ टेंडेंसी आपकी यहाँ पर आर की ज्यादा है, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 46 इन क्वेश्चन पेपर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, ए ऑप्शन समझना। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Al इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी एनर्जी फर्स्ट I1 ऑफ मैग्नीशियम। अब आप समझ सकते हो बच्चों कि मैग्नीशियम आपका कौन से ग्रुप का है, दिस इज रिलेटेड टू ग्रुप सेकंड। और मैंने आपको लिखा है था कि इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप सेकंड
ग्रुप सेकंड हैविंग अ S2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्रुप सेकंड का आपका क्या होता है बच्चों, NH2 होता है, और NH2 की वजह से यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, फुल फिल्ड ऑर्बिटल होगा, और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम। तो यह ग्रुप सेकंड का होने की वजह से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी आपका मैक्सिमम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, द सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। देखो, सेकंड आयोनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, इज ग्रेटर देन Ie2, मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। अब देख लेते हो बच्चों, हम लोग अगर मैं सोडियम का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए बात करूंगा, तो अब आपको मैं इस स्टेटमेंट को समझाता हूँ क्या बोल रहा है। एक्चुअली मैं ध्यान से समझना, देखो यहां पर मैंने बोला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का पहला इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, देन Mg+1। नाउ यहां पर ये क्या था बच्चों आपका, यहां पर ये होगा बच्चों आपका 3s2, ठीक है, 3s2 होगा, हाँ 3s2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। नाउ जैसे ही मैं, अब देखो, दिस इज व्हाट IE2, दिस इज व्हाट IE2 एंड दिस इज व्हाट IE1, ठीक है। नाउ इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, तो Mg+2, हमको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है, फर्स्ट को नहीं करना। अब जैसे ही मैं सेकंड में जाऊंगा, तो सेकंड में ये किसकी तरह ऑप्टेन कर लेगा, सोडियम की तरह, ठीक है, सोडियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गया। तो यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6। नाउ दिस इज व्हाट नोबल गैस, नोबल गैस, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों सोडियम के केस में, तो मैंने अगर सोडियम के केस में बात किया, तो यहाँ पर आपका Na, Na से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, Na से मैंने कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन को, Na से मैंने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को। यहां मैंने Na से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो यहां पर क्या जाएगा, Na+, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, और इसका क्या जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6। नाउ दिस इज व्हाट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जैसे ही आपका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, देन यहां से आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी नोबल गैस की सबसे ज्यादा होती है, देन यहां से आपका नोबल गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। IE2 आप देख सकते हो कि यहाँ पर नोबल गैस होने की वजह से इसका ज्यादा होगा, देन दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या हो जाएगा बच्चों, IE2 ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन IE2 ऑफ सोडियम, ठीक है। यह आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका सेकंड आपका इनकरेक्ट है, जो कि आपका करेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना था, तो बी ऑप्शन आएगा बच्चों इसका। अब हम सी को भी समझ लेते हैं कि सी ऑप्शन क्या है और डी ऑप्शन क्या है। हमको हमको एक्चुअली बच्चों पेपर सॉल्व करना, पेपर का सॉल्यूशन भेजने का मोटिव मेरा ये नहीं है बच्चों, ठीक है। पेपर का सॉल्यूशन भेजने का मोटिव मेरा ये नहीं है कि पेपर का सॉल्यूशन तो मैं सिंपल भी भेज सकता हूँ, लेकिन पेपर के सॉल्यूशन भेजने का मेरा मोटिव ये है कि मैं क्वेश्चन को किस तरीके से डील करता हूँ एग्जाम में, मैं उसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मैं एक्चुअली में कैसे करता था क्वेश्चन डील, तो मैं इसी तरीके से करता था, आप लोग भी इसी तरीके से डील करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम इज लेस देन व्हाट, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो मैग्नीशियम का आपका लेस देन होगा किससे, सोडियम से, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका 1s2, यहां पर आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, मतलब क्या है, s2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फुलफिल्ड ऑर्बिटल, और फुल फिल्ड ऑर्बिटल, और इसका तो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा होता है, तो सोडियम से ऑब्वियसली बात है इसका ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो आपको सिंपली ऑर्डर भी आप देख सकते हो। सी डी स्टेटमेंट, द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल IE3,
आई थ्री ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, Ie3 ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन Ie3 ऑफ एल्यूमिनियम। चेक कर लेते बच्चों, चेक कर लेते, इसका मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ बच्चों। देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ie1, ठीक है, तो यहाँ पर Mg+1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। नाउ एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया Mg+2, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आपका Ie2। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ पर 3s0। नाउ दिस इज व्हाट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, दिस इज व्हाट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी थर्ड की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब मुझे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में से मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ। नाउ एल्यूमिनियम के लिए चेक करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1s2, 2s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम+1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये हो जाएगा। नाउ फिर से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एल्यूमिनियम++, ये हो जाएगा आपका Ie1, ये हो जाएगा आपका Ie2, ठीक है। अब जल्दी से बता दो बच्चों, तो क्या जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। नाउ फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा आपका Ie3। अब देखो कहीं पर भी आपका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन रहा है। जब आपका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन रहा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपके, देखो जहाँ पर थर्ड के केस में आपके Mg+2 पे नोबल गैस बन रहा है, लेकिन यहाँ पर नोबल गैस नहीं बन रहा है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें बनने की वजह से इसका आयोनाइजेशन थर्ड आपका ज़्यादा होगा और उसका कम होगा। अगर मैं बोलना चाहूँ आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर, तो किसका मैक्सिमम होगा, एल्यूमिनियम का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा है बच्चों, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर ऑफ मैग्नीशियम एंड आयोनाइजेशन फॉर ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर भेजना है। ये आपका पहला होमवर्क, ठीक है, ठीक है। इस होमवर्क को ध्यान से समझना बच्चों, मैं होमवर्क जो दे रहा हूँ बच्चों वो बहुत मतलब सफिशियंट और बहुत ही मतलब अच्छे होमवर्क है बच्चों। मैं इसी पेपर से मैं आपको होमवर्क दूंगा जिससे आपको पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए बच्चों, ठीक है। जिस तरीके से मैं अपने टाइम में क्वेश्चन को डील करता था वही तरीका मैं आपको दूंगा बच्चों, ताकि आप लोगों को भी काफी इजी पड़े, ठीक है। मैं आपको सिंपल फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। आप देखो ये कई कई कंडीशन में आप लोगों को कई कई बुकों में ये आपको डायरेक्ट मिलेगा कि ऐसे याद कर लो ऐसे हो जाएगा, ऐसे याद कर लो ऐसे हो जाएगा, ऐसे याद कर लो ऐसे हो आपका हो जाएगा। अगर आप बुक के थ्रू जाओगे तो आप कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। तो इसीलिए मेरा मेथड अप्लाई करो, ठीक है, कहीं पर कोई सा भी मेथड अप्लाई मत करो। ये जो मेथड मैंने बताया बच्चों वो एक्यूरेट मेथड है, वो हमेशा आपका एक्यूरेट आंसर देगा। और अगर कोई और मेथड आप करोगे तो वो आपका एक्यूरेट आंसर देने की उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होगी, ठीक है। नाउ हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 48। वेरी इजी क्वेश्चन था बच्चों, ये वाला तो इजी था, पहला वाला आप लोगों को करना चाहिए था, वो आपका 10th लेवल का था, मतलब 46 क्वेश्चन आपके 10th में ही आप लोग कर सकते थे, ठीक है। नाउ एलिमेंट एक्स वाई जेड, एलिमेंट आपका क्या बोला है, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं कुछ पॉइंट लिख लूंगा, एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एलिमेंट एक्स वाई जेड हैव एटॉमिक नंबर, इसका कितना है 19, और इसका कितना बोला है बच्चों 37, इसका कितना बोला है बच्चों 55। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इन सब के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल वुड इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देख लेते हैं बच्चों, एक्स आपका क्या होगा, पोटेशियम। अब इसमें आप जोड़ो बच्चों कितना, इसमें आप जोड़ो एक बार, इसमें आप जोड़ो सबसे पहले 8, अगर इसमें आप लोग जोड़ोगे 8 तो 27, और 18 जोड़ोगे तो आपका क्या जाएगा, वाई आपका क्या जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम के नीचे क्या आता है आरबी, आरबी का कितना हो जाएगा 37, और ये आपका क्या हो जाएगा सीजियम। आप देख सकते हो कि ये पूरा आपका फर्स्ट ए ग्रुप है, और फर्स्ट ए ग्रुप होने की वजह से बच्चों सबसे पहले मैंने फर्स्ट ए ग्रुप निकाल लिया। अब फर्स्ट ए ग्रुप होने की वजह से ये क्या होगा बच्चों, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा,
ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, और साथ साथ यहां पर मेरा क्या इंक्रीज हो रहा है बच्चों, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ मेरा यहां क्या इंक्रीज हो रहा है बच्चों, एटॉमिक नंबर। तो यहां पर एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हुआ और यहां पर मेरा एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, अच्छे से करोगे तो आप लोगों को 100% श्योर आपको आएगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज हुआ, अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। देखो मैंने किस तरीके से डील किया, मैंने काफी इजी कर दिया क्वेश्चन को, तो आप लोग भी इसी तरीके से क्वेश्चन को इजी कर देना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल वुड इंक्रीज, इंक्रीज नहीं कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो ये पहला ऑप्शन तो आपका गलत है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या बोला था, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया था ऐसा कि आयोनाइजेशन एनर्जी आपका इंक्रीज, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी आपका इंक्रीज करेगा, जो कि आपका क्या है बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या कर जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हो बच्चों इस क्वेश्चन को। आप देखो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हम चेक करते हैं, व्हाई वुड हैव आयोनाइजेशन पोटेंशियल दो बिटवीन दोज एक्स एंड वाई, वेरी एक्स एंड जेड, वेरी गुड, करेक्ट, एक्स एंड जेड के बीच का होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा बोलना चाह रहा है कि एक्स एंड जेड के बीच का ही होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब जेड का ज्यादा होगा और इन दोनों के बीच का ही होगा। ठीक है, अब देखो बीच का ऐसा भी हो सकता है ना बच्चों, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन होगा तो बीच का तो बिल्कुल सही है ना, ये वाला देखेंगे तो इसमें भी आपका क्या है, मिड में है ना बच्चों, इसमें भी आपका किस में, मिडिल में है, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा। ठीक है, ऐसा भी हो, आपको बोला जा सकता है कि एक्स का ज्यादा है, ये ऐसा तो हमको बोला नहीं गया है कि एक्स का ज्यादा है और जेड का कम है, तो मैं ये स्टेटमेंट सोचूंगा ही नहीं, मैं कौन सा स्टेटमेंट सोचूंगा, ऊपर वाला। ठीक है, नाउ इसका सी स्टेटमेंट देखता हूँ बच्चों, जेड वुड हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन, जेड वुड हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल नॉट, कौन आपका सबसे हाईएस्ट रखेगा बच्चों, आपका कौन सबसे हाईएस्ट रखने वाला बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों, देखो सॉरी सॉरी ये स्टेटमेंट आपका ऐसा होगा, जेड आपका सबसे ज्यादा, जेड आपका सबसे कम रखेगा, सबसे ज्यादा आपका कौन रखेगा, एक्स। ठीक है, तो एक्स का आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ना कि आपका किसका होगा बच्चों, जेड का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जेड का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, सबसे कम, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम हो जाएगा, वेरी लो। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, डी ऑप्शन, वाई वुड हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वाई आपका क्या बच्चों, वाई आपका क्या बच्चों, मिड वैल्यू रखेगा, क्या रखेगा, मिड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड का आपका मिड वैल्यू रखेगा, ना कि हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट इज बी। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा मैं इसको किस तरीके से डील कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन को डील करने का तरीका समझो बच्चों, आप लोगों को घबराना नहीं है। देखो आईआईटी का पेपर दुनिया का सबसे आसान होता है, बस आपको लॉजिक के थ्रू चलना है, जिसने लॉजिक लगाना सीख लिया वो दुनिया में कोई भी पेपर को सोल्व कर सकता है, दुनिया में कोई भी पेपर आपका, चाहे ओलंपियाड का आ जाए चाहे किसी का भी आ जाए, अगर आप लोगों ने लॉजिक लगाना सीख लिया है तो आप लोग पक्का बहुत बहुत हाई लेवल तक के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और लॉजिक लगाने का तरीका आपको कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन को मेरे तरीके से डील करने की तरीके समझो, मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ उसको वर्ड्स में लिख देता हूँ। ठीक है, वर्ड्स में लिख देता हूँ, आप लोग भी वैसा करना स्टार्ट करो, अपने आप आपसे बहुत होगा, लेकिन अगर जब तक आप वर्ड्स में नहीं लिखोगे और सिंपली पढ़ोगे तो पढ़ने से आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो आपको पढ़ने से स्टेटमेंट नहीं आएगा, आपको वर्ड्स में लिखना सीखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 49, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द क्वेश्चन, एल्यूमिनियम प्लस 3 हैज लोअर आयनिक रेडियस देन Mg आयन बिकॉज, देखो ये तो मैंने बोला था एल्यूमिनियम प्लस 3 का आयोनिक रेडियस, देखो यहां पर लिखता हूं आयोनिक रेडियस ऑफ
एल्यूमिनियम प्लस थ्री इज लोअर देन Mg प्लस टू। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? यहां पर अगर मैं E अपॉन P रेशियो निकालना चाहूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, 10/13, और यहां पर कितना आ जाएगा, 10/12। देन E अपॉन P रेशियो इसका ज्यादा है, तो जिसका E अपॉन P रेशियो आपका ज्यादा होगा उसका आयोनिक रेडियस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। सिंपल। ये तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये तो स्टेटमेंट नहीं था, ये क्वेश्चन था, ठीक है, बिकॉज पूछा है। अब हम क्या बोलेंगे, ई अपॉन पी, तो ई अपॉन पी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे बोलेंगे, ध्यान से समझना। तो देखो, प्रोटोन आपका कहाँ फोर्स लगाता है, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फोर्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन। तो इसका साइज छोटा क्यों होगा, क्योंकि आपका क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ जाएगा, तो इस वजह से इसका साइज आपका छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं करते हम, न्यूट्रॉन की तो यहाँ पर तो हम बात ही नहीं करते। वी कैन नॉट टॉक अबाउट न्यूट्रॉन, हम न्यूट्रॉन के बारे में बात ही नहीं करते, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स, ठीक है, वी कैन नॉट टॉक अबाउट न्यूट्रॉन्स, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो आयोनिक रेडियाई इफेक्ट, आयोनिक रेडियाई डज नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी ध्यान रखना, यहीं से स्टेटमेंट ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एल्यूमिनियम हैज लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम हैज लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन मैग्नीशियम, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी पे भी आपका डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल आपका स्टेटमेंट था, तो विच वन इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। आई होप सो कि आपको काफी इजी गया होगा ये क्वेश्चन, आपको मार्क्स लेके आने चाहिए थे बच्चों। और रही बात की पेपर, अभी तक आपने जितने भी पेपर सोल्व किए होंगे बेटा, वो थोड़े से इससे इससे लो लेवल के होंगे, ये एक्चुअली सारे के सारे लॉजिकल क्वेश्चन है, आपसे आपको लॉजिकल क्वेश्चनों की आदत डालनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। अगर मार्क्स भी कम आए तो घबराने वाली बहुत बात नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में अगर मैं आपको पेपर दूंगा तो उसमें आपके लॉजिकल क्वेश्चन ही होंगे और कोई नहीं क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो लॉजिकल क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सीखना है, अगर आपने लॉजिकल क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सीख लिया तो आपने दुनिया में सब सीख लिया, ठीक है ना। आओ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, वेरी गुड और वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर मैं बोलूं तो मेरे लिए तो इजी है, लेकिन आप लोगों के लिए कैसे देख लेते हैं। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, अब देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, यहां से यहां मूव करेंगे तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसका मतलब आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड भी आपका बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ आपको बताया था, ठीक है, कल के ही लेक्चर में, तो आप लोग देख सकते हो काफी इजीली। अब देखो BeO, BeE2O3, ठीक है, CO2, ठीक है, और आपका N2O5, ये चार ऑप्शन दिए हमें। अब देखो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको मैंने बोल दिया सेकंड, इसको मैंने बोल दिया थर्ड, इसको मैंने बोल दिया फोर्थ, ठीक है, मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब मुझे बोलना है कि इन सब में आपका हायर एसिडिक ऑर्डर को कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट देन नाइट्रोजन इज हियर, कार्बन इज हियर, बोरोन इज हियर, एंड मैग्नीश बेरिलियम इज हियर, ये आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ बढ़ेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहां बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, मैंने अभी नॉन नहीं लिखा तो घबराना नहीं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड आपका किसका ज्यादा होगा बच्चों, आप लोग बोल सकते हो इसके हिसाब से, तो BeO का सबसे लेस होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, देन आफ्टर आपका क्या आ जाएगा B2O3, देन आफ्टर आपका क्या आ जाएगा CO2, देन आफ्टर आपका क्या आ जाएगा N2O5, ठीक है, दीज आर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ हाँ दिस क्वेश्चन।
आपका कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट जा रहा है इसके हिसाब से? सी ऑप्शन इज एक्यूरेट, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 50 और काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों। एक एक क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं है जो आपके कंसेप्ट से बाहर हो, जो आपके रेंज से बाहर हो। जो क्वेश्चन आपके रेंज से बाहर होगा वो मैं आपको अपने आप बता दूंगा। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 51। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या है। काफी इजी क्वेश्चन पड़ेगा हम लोगों के लिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या होगा बच्चों, काफी इजीली हम इसको समझेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या होगा देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51 बोला है कि एलिमेंट एक्स है और एक एलिमेंट हमारा वाई है। वेरी गुड। हैज अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका NS2 NP1 एंड इसका क्या है बच्चों NS2 NP4। NP4 का मतलब ये आपके ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करेगा, ये आपका ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करेगा, और ये आपका कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा? बोरॉन फैमिली से। ये आपका कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा? बोरॉन फैमिली से। सबसे पहले मैंने ये निकाल लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मतलब बोरॉन फैमिली मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रुप 13, और ये क्या हो जाएगा ग्रुप 16, ठीक है। ये भी मैंने निकाल लिया, चलो ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड देम बाय देम इज लाइकली टू बी। देखो ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपके मेटल की तरह थोड़ा बहुत, ये आपके किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉन मेटल की तरह। अब देखो नॉन मेटल की तरह, तो इस कंपाउंड का क्या होगा बच्चों, आपका इस कंपाउंड में y माइनस टू, इसका वैलेंस शेल ऑक्सीजन की तरह कर दो y माइनस टू, या आपका ऑक्सीजन की क्या होता है ऑक्साइड होता है ना, O माइनस टू, उसी तरीके से y माइनस टू। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा यहाँ से, यहाँ से आपका दो इलेक्ट्रॉन ऑप्टेन करेगा, ये आपका क्या करेगा प्लस टू इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस टू, यहाँ पर क्या करेगा रिमूवल ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन, ये होगा थ्री प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स थ्री प्लस, आप दोनों का आप लोग बचपन से करते आ रहे हो एक्स टू वाई थ्री, तो ये किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा एक्स टू वाई थ्री टाइप का। ये बच्चों क्वेश्चन क्लास टेंथ का था, ये क्लास टेंथ का परफेक्ट क्लास टेंथ का क्वेश्चन था बच्चों, ये जो आप लोगों को आना चाहिए था। जी जिसने किया वो तो समझो कि उसने क्लास टेंथ सीरियसली पढ़ी है, और जी जिसने नहीं किया वो तो फिर कोशिश करो बच्चों, कोशिश करो, मुझसे डाउट रात भर पूछो, ठीक है। और कभी कभी मैं अगर डाउट नहीं बता पाता हूँ बच्चों, तो उससे होपलेस नहीं होना है, उससे आप लोगों को नए कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, उसका इंतजार करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 52। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या है बच्चों, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको क्या बोला है यहाँ पर, तीन ही एलिमेंट, तो ठीक है, करेक्ट करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको रटा रखा है मैंने ये, ठीक है। देखो नेपाल पाकिस्तान दिया हुआ है, और साथ में बोरोन दिया हुआ है, और आपको एल्यूमिनियम दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 13 का एलिमेंट कौन कौन से, एक बेरिलियम है, एक सॉरी बोरोन है, एक आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है। और आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट दिया हुआ है, कौन कौन सा दिया हुआ है, एक नाइट्रोजन दिया हुआ है, एक आपका फॉस्फोरस दिया हुआ है। आप देखो ये आपका कौन से पीरियड का है बच्चों, सेकेंड पीरियड का, और ये आपका कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। जैसा कि आप लोग जानते हो कि डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और अगर मैं यहाँ से यहाँ पीरियड में यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और मैं अगर डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। तो आप सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद आपका किसका होगा बच्चों, नाइट्रोजन के बाद आपका होगा बच्चों बोरोन का या फॉस्फोरस का, ये आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बाद आपका इसी ग्रुप का होगा, क्योंकि इस ग्रुप में आपका फास्फोरस का ज्यादा होता है, फास्फोरस का 2.1 और बोरोन का मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। तो फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आपका क्या आएगा बोरोन, बोरोन के बाद आपका क्या आ जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, गैलियम से भी कम होता है, एल्यूमिनियम का आपका किससे कम होता है, गैलियम से भी कम होता है। तो थोड़ा सा ये आपका स्टार पॉइंट है, अब इसे याद करना स्टार्ट करो साथ साथ, ठीक है। साथ साथ अगर याद करोगे तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आओगे,
ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जो कि हमारा काफी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 इज व्हाट? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 53 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिंग अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड मतलब यहां से यहां लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करने पर कौन आपका डिक्रीज होता है, देख लेते। ऑप्शन ए, यस मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होगा, आ गया, चलो पहला ही ऑप्शन आ गया, लेकिन हम सारे देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता है। बी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, सी आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी क्या होता है बच्चों आपका इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपका क्या होता है बच्चों इंक्रीज होता है। ठीक है, और आपका डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डी ऑप्शन भी आपका क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी आपका क्या होता है बच्चों इंक्रीज होता है, ये भी आपका क्या होता है बच्चों इंक्रीज होता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था, एंथैल्पी की स्पेलिंग गलत लिख दी बच्चों, ठीक है एंथैल्पी। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना, स्पेलिंग मिस्टेक तो होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 52। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 आपका काफी इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 53, अब देखेंगे 54, तो देख लेते बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 जो कि आपके आप लोगों के लिए मौके पे चुका है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपको क्या दिया हुआ है, एक तो आपको दिया हुआ है ऑप्शन इक्वल टू जीरो, एक आपको सिमिलर क्या दिया हुआ है ऑप्शन मोर देन एल्यूमिनियम, सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का है ना, हाँ मैग्नीशियम मोर देन एल्यूमिनियम। ठीक है, आई ऑफ आई वन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है लेस देन एल्यूमिनियम, वेरी गुड, देन इक्वल टू एल्यूमिनियम। अब देखो सबसे पहले जीरो कब होता है, जीरो आपका केवल और केवल क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी जीरो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी जीरो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका जीरो होता है, ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये आपका जीरो होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने आपको बताया था, इसका क्या होगा फुल फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इसका एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 47, तो यहां पर ये आपका ए ऑप्शन था, ये आपका बी ऑप्शन था, ये आपका सी ऑप्शन था, ये आपका डी ऑप्शन था, तो ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, मतलब सी और डी आपका गलत हो गया, ए भी आपका गलत है, तो करेक्ट कौन सा होगा बच्चों आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन नंबर 54। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 55, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या होगा बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 55, तो देख लेते हैं, देख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 हमको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिफरेंस मतलब आई वन माइनस आई टू आपका क्या होना चाहिए बच्चों मैक्सिमम, अब मैक्सिमम कौन से के केस में होगा, ए में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा IE1। ठीक है, IE1 के बाद ये आपका क्या हो गया बच्चों देख सकते हो हीना नीना और, मतलब ये आपका ऑर्गन का है, और यहां से अगर मैं करूंगा तो यहां पर क्या जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, नाउ ये आपका किसका हो गया क्लोरीन का, नाउ फिर अगर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2। ठीक है, अब देख सकते हो बच्चों आप लोग कि क्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी, आप ध्यान से समझना बच्चों मैं आपको क्या डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, ये तो हो गया आपका ऑर्गन का, ध्यान से समझना ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको क्या डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है 3p6 4s1, ठीक है 4s1। अब देखो यहां से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1,
नाउ इट इज ऑब्टेन वॉट, नॉबल गैस कॉन्फिग्रेशन, नॉबल गैस कॉन्फिग्रेशन लाइक ऑर्गन। अब यहाँ से आई ई टू, मैं सबसे पहले सबको जमाऊंगा, मैं ज्यादा इतनी जल्दी क्वेश्चन करने के तरीके में नहीं रहूंगा। हमारा एक क्वेश्चन कम सोल्व हो चलेगा, लेकिन हमारे सारे क्वेश्चन करेक्ट होने होने चाहिए। ये आपका सिद्धांत, मतलब ये आपका खुद का एक प्रिंसिपल आप लोग बनाओ बच्चों, कि मेरा प्रिंसिपल ये है कि मेरा एक भी ऑप्शन, एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हम देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। ये तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये आपका किसकी तरह दिख रहा है, देख सकते हो आप लोग मैग्नीशियम की तरह, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने इसको कर दिया तो यहाँ पर आपका किसका आ जाएगा, सोडियम की तरह, ठीक है। नाउ यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक है। डी ऑप्शन आप देख सकते हो कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, लाइक व्हाट, एल्यूमिनियम, नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है, एल्यूमिनियम इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक है। अब आप ध्यान से समझ सकते हो कि यहाँ पर आपका पोटेशियम कन्वर्ट हो रहा है ऑर्गन में, ठीक है, पोटेशियम कन्वर्ट हो रहा है आपका ऑर्गन में, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी सबसे कम किसकी होती है, पीरियड में। अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा लेफ्ट टू राइट में, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी कम होगी और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो ऑर्गन की, ठीक है, ऑर्गन की तो ज़्यादा होगी आपकी, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की एज कम्पेयर टू पोटेशियम, क्लोरीन यहाँ आएगा पोटेशियम यहाँ आएगा, तो पोटेशियम की ज़्यादा कम हो जाएगी, पोटेशियम क्लोरीन आपका यहाँ आएगा पोटेशियम आपका यहाँ आएगा, तो पोटेशियम की आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी वो आपकी काफ़ी कम हो जाएगी, और इस वजह से आपका इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो ऑर्गन पोटेशियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर ऑर्गन तो ठीक है बात, ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम की सबसे कम और यहाँ ऑर्गन की सबसे ज़्यादा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपका सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम डिफरेंस की बात करूँगा तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, एंड ए ऑप्शन के लिए आपका क्या होगा बच्चों, मिनिमम। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, तो ये आपका लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, मजा आया मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट आर, अच्छा तो ये दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब IE1 IE2 IE3 एंड IE4 एंड IE5, ठीक है, ये आपका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका बच्चों 577, इसका मतलब 1810, इसका मतलब 2750, इसका मतलब आपका क्या होगा 11580, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 14820, ये आपका दिया हुआ है बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब वो आपको एलिमेंट पहचानना है, द एलिमेंट इज, अब आपको एलिमेंट पहचानना है, तो मेरे यहाँ पर दिया हुआ है कैल्शियम, अब बी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कैल्शियम दिया हुआ है बच्चों, कैल्शियम, बी आपको दिया हुआ है फॉस्फोरस, सी आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पर एल्यूमिनियम के बाद दिया हुआ है डी आपका पोटेशियम। तो अब आप कैसे एलिब्रेट करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो एक्सप्लेनेशन समझना। अब यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, इन दिस गिवन टेबल वी कैन सी दैट हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं बच्चों, हम देख सकते हैं कि देयर आर सडन जंप इन आयोनाइजेशन थर्ड टू
टू आयोनाइजेशन फोर्थ, जहां पर हमारा सडन जंप है, मतलब सडन जंप पे तो सडनली आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। इसका मतलब आयोनाइजेशन थर्ड वाला जो आपका आयोनाइजेशन थर्ड मतलब जो आपका आयोनाइजेशन फोर्थ है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब आपका निकला होगा तो यहाँ पर आपका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया होगा, यहाँ पर आपका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपका इसका जो कैल्शियम प्लस थ्री है, मतलब कैल्शियम प्लस थ्री आपका नोबल गैस बनेगा, या तो आपका कैल्शियम प्लस थ्री नोबल गैस, फॉस्फोरस प्लस थ्री आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहिए, एल्यूमिनियम प्लस थ्री आपका नोबल गैस, या फिर पोटेशियम प्लस थ्री। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस थ्री आपका क्या रखता है बच्चों, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए यहाँ पर सडन जंप आया, और सडन जंप आने की वजह से ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को डील कर लिया। देखो काफी इजी क्वेश्चन है अगर आप लोग करोगे तो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57, अब देखो 57 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर आयोनिक साइज, आपका आयोनिक साइज का करेक्ट ऑर्डर। देखो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, C4-N3- O2- एंड F-। अब आप लोग जान रहे होंगे बच्चों कि आयोनिक साइज के लिए E अपॉन P रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 10/9, यहाँ पर 10/8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10/7, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10/6। तो E अपॉन P रेशियो इसका ज़्यादा है, जिसका E अपॉन P रेशियो ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा बच्चों, साइज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो साइज किसका मैक्सिमम होगा, इसको मैं बोलूँगा ए, इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने बोला सी, एंड इसको बोला मैंने डी। तो किसका साइज ज्यादा होगा, ए का साइज ज्यादा होगा बी से, बी का साइज सी से, सी का साइज डी से। तो सबसे कम एफ माइनस और ये, तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपके आपके जो आंसर की उसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील कर लिया। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इजी है और काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 हमारा क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर एन। वेरी गुड, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या दिया हुआ है, आर एन। आर एन के बाद आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 5F6 6D0 7S2। मतलब आप क्या क्या इससे एलिब्रेट कर सकते हो, आप इसे सिंपली एलिब्रेट कर सकते हो कि आर एन, आर एन का मतलब, आर एन मतलब क्या होगा, आर एन के बाद वाला ग्रुप होगा, मतलब आर एन के बाद वाला ग्रुप होगा, ऐसा ही बोल सकते हो। या फिर हम ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पर एफ ब्लॉक है, एफ सीरीज है, और एफ सीरीज में कौन से सीरीज में एलिमेंट एंटर हो रहे हैं बच्चों, 5F में। तो यहाँ पर 5F में वो आपका इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, तो ये आपका 5F सीरीज होगा, और 5F सीरीज मतलब 5F सीरीज, और यहाँ पर 5F सीरीज होगा, और 5F सीरीज मतलब एफ सीरीज आपका कौन से ब्लॉक में आता है बच्चों, आपका आता है थर्ड थर्ड ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में आता है बच्चों, थर्ड ग्रुप में, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ थर्ड बी ग्रुप, ऐसा मैंने आपको बताया था। एफ ब्लॉक आपके सारे थर्ड या थर्ड बी ग्रुप में आते हैं। तो आपका कौन सा आंसर होगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इज अ मोर करेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या होगा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईएस्ट डेंसिटी। बच्चों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका ऑस्मियम हैज हाईएस्ट डेंसिटी, ये ध्यान रखना, हाईएस्ट डेंसिटी। ऑस्मियम की डेंसिटी आपकी क्या होती है बच्चों, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 आपको मगअप करने वाला है, कौन सा है बच्चों, मगअप करने वाला, मगअप कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या होगा बच्चों हमारा, पॉलिंग कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट टेकिंग वैल्यू फॉर फ्लोरीन बाय यूजिंग। अब देखो पॉलिंग ने आपका सबसे पहले पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, काई ए माइनस काई बी इक्वल टू 0.208। ठीक है, अंडर रूट ऑफ
0.208 अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ ये आपका इस तरीके से ब्रैकेट में देने जाएगा, ये आपका इस तरीके से होगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। तो आपका किससे कैलकुलेट किया इसने, एक्चुअली में पॉलिंग स्केल वी कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय बॉन्ड एनर्जी। मैंने किसके थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर कैलकुलेट की बच्चों, बॉन्ड एनर्जी के थ्रू मैंने यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की। तो यहां पर हमारा पहला ऑप्शन हमें क्या दिया है बच्चों, ध्यान से समझो। तो यहां पर हमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा काफी इजी कंसेप्ट है। तो पहला ऑप्शन हमको यहां पर दिया है क्या कि पॉलिंग स्केल में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, ठीक, वेरी गुड, सही है। ठीक है, एक बार इस फॉर्मूले को चेक कर लेना बच्चों, आप लोग इस फॉर्मूले को चेक कर लेना। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, ठीक है, एक बार इस फॉर्मूले को एक बार आप लोग चेक कर लेना, एलिब्रेट कर लेना। वैसे आई होप कि ये फॉर्मूला सही होगा, लेकिन आप फिर भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, हर चीज़ों को चेक करना आपका जरूरी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था समझते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61। अब देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ ए, एटॉमिक रेडियस ऑफ ए का एटॉमिक रेडियस फॉर ए ट्रिपल बॉन्ड ए, ठीक है, बेस्ड ऑन बॉन्ड लेंथ ऑफ ए, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए डबल बॉन्ड ए, वेरी गुड, बीइंग 132.5 पिकोमीटर विल बी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब देखो एटॉमिक रेडियस आपके बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है इसका, तो इसका बॉन्ड लेंथ आप कैसे निकालोगे बच्चों, देख लो आप लोग समझ सकते हो, इसका बॉन्ड लेंथ का साइज मुझे कितना दिया हुआ है बच्चों, 132.5। अब देखो 132.5 डिवाइडेड बाई क्या कर दो बच्चों, यहाँ पर 132.5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पर आप देखो डबल बॉन्ड के लिए आपका क्या होता है, देखो ध्यान से, सिंगल बॉन्ड के लिए आपकी वैल्यू होती है 1x बोल सकते हैं, तो डबल बॉन्ड में आपका इतना कम हो जाता है, 0.86 कुछ कम हो जाएगा x, इससे इतना टाइम कम हो जाता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड में आपका कितना कम हो जाता है, 0.77x टाइम्स। तो यहाँ पर कि डबल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, 0.086x। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, यहाँ से जो आपका x का वैल्यू मिलेगा, उस x की वैल्यू को हमको किसके अंदर रखना है, इसके अंदर। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आएगी बच्चों, निकाल सकते हो, x की वैल्यू यहाँ से आपकी आएगी 132 डिवाइडेड बाई 5 टू 0.86। नाउ आपका x की वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो एट ट्रिपल बॉन्ड ए का बॉन्ड लेंथ आपका कितना हो जाएगा, 0.77 मल्टीप्लाई बाई 132.5 डिवाइडेड बाई 2, 0.86। ठीक है, 0.86 अगर मैं इसको इसके हाफ से थोड़ा कम आएगा, क्यों हाफ से कम आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा है इससे, तो हाफ से थोड़ा सा कम आएगा। देखो हाफ करो, हाफ कितना आएगा बच्चों इसका, इसका हाफ आ जाएगा बच्चों आपका 66.25। और 66.25 से थोड़ा सा कम वैल्यू, देखो 66.25 से थोड़ी सी कम वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर आंसर 59.30 पिकोमीटर। ये क्वेश्चन आपका जबरदस्त और बहुत सॉलिड क्वेश्चन था, ये आपका एडवांस का क्वेश्चन हो सकता है, एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन था बच्चों, अगर आपके नीट में पूछा गया तो आप अभी से ध्यान रखो, ये मतलब इस टाइप का मैंने पहला क्वेश्चन देखा है बच्चों अभी तक। ठीक है, इस टाइप का मैंने अभी तक पहला क्वेश्चन
इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही कम है ना रेयर बुक में मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अपने क्वेश्चन बैंक, आपकी खुद की क्वेश्चन बैंक है या फिर आपने खुद का एक नोट्स डेवलप कर रहे होंगे उसके अंदर इस क्वेश्चन को रख लेना। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है ना, आओ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वैल्यूज को ध्यान रखना है बच्चों आपको। ना आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 विच इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 इज जनरली द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अलोंग द पीरियड, देयर आर सम एक्सेप्शन, विच वन इज नॉट एक्सेप्शन। मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में आपका जब अलोंग द पीरियड जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो यहाँ पर एक्सेप्शन आते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शन आते हैं? एक तो आपका नाइट्रोजन और का ऑक्सीजन वाला, ठीक है। एक आपका क्या आता है, इनर्ट गैस का, एक आपका इनर्ट गैस का एक्सेप्शन आता है, ठीक है, इनर्ट गैस फुलफिल्ड ऑर्बिटल। एक आपका यहाँ आता है सेकेंड ग्रुप का एक्सेप्शन, ठीक है, सेकेंड ग्रुप का एक्सेप्शन। अब आपसे बोला है कि कौन सा आपका एक्सेप्शन नहीं है। देखो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर तो एक्सेप्शन है तो यहाँ पर एक्सेप्शन होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पर सोडियम एंड एंड मैग्नीशियम, कौन से एक्सेप्शन नहीं है। देखो यहाँ पर सेकंड ग्रुप का एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है। सेकंड ग्रुप का आपका किससे मैक्सिमम होता है, 13th ग्रुप से। सेकंड ग्रुप का आपका किससे मैक्सिमम होता है, 13th ग्रुप से। मतलब आपका होना चाहिए तो Mg का बड़ा होना चाहिए एल्यूमिनियम से, तो ये आपका एक्सेप्शन में आता, ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्शन में आता, तो ये भी आपका एक्सेप्शन नहीं है। सी ऑप्शन वैसे सिंगल करेक्ट है तो आपको आंसर मिल चुका है। देखो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, देखो अभी अभी मैंने बताया, तो ये आपका एक्सेप्शन होगा। डी आंसर क्या है बच्चों यहाँ पर, बेरिलियम एंड बोरोन, बेरिलियम एंड बोरोन, बेरिलियम एंड बोरोन, विच वन इज नॉट एक्सेप्शन। बेरिलियम एंड बोरोन भी होगा क्योंकि इसके ऊपर क्या आता है, मैग्नीशियम के ऊपर आता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या आता है, बोरोन, तो ये भी एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन कौन सा नहीं है बच्चों, ऑप्शन बी इज नॉट अ एक्सेप्शन, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 63, विच इज व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 63। बेटा ये क्वेश्चन आप लोग लिखते जाओ और समझते जाओ, मैं कैसे डील कर रहा हूँ, मैं तरीके से डील कर रहा हूँ, मैं इतना हड़बड़ी नहीं कर रहा। आप लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखो मैं कितने प्यार से डील करता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रॉपर्टी मेंशन, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा बच्चों, बिल्कुल सही दिया है इसने, बिल्कुल सही दिया है, तो ये तो सही है, ठीक है। अब आपको सेकंड क्या दिया हुआ बच्चों, बी आपको दिया हुआ है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आपका दिया हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका कार्बन। हाँ बट जो ये दोनों तो एक्सेप्शन थे, तो बिल्कुल सही है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी यहाँ से यहाँ मूव होंगे तो डिक्रीज होगी, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन और इसमें यहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का इफेक्ट लग जाएगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का इफेक्ट लग जाएगा, अभी अभी देखा आपने। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी देख लेते हैं बच्चों, इसका क्या बोल रहा है, सिलीकॉन, सिलीकॉन के बाद आपका दिया हुआ है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, यही भी आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन का आपका 3.0, सल्फर का 2.5, फॉस्फोरस का 2.1 और सिलिकॉन का इससे कम, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, मैंने आपको पॉलिंग स्केल पे सारी वैल्यू लिखाई है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पर, फ्लोरिन क्लोरिन, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन। तो बच्चों आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे, देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन अगर करेक्ट होगा बच्चों, यहाँ पर डी ऑप्शन आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर मूव करते बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखते बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट शो लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो यहां पर दिया हुआ है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है, या फिर फर्स्ट ग्रुप, या फिर ग्रुप फर्स्ट बोल सकता हूं मैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप वन बोल दिया। देन आपको बोला है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब आपका क्या होगा, सेकंड बी ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, सॉरी क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड ए ग्रुप मतलब ग्रुप सेकंड, ग्रुप टू, ठीक है। देन आफ्टर आपका क्या है बच्चों, हेलोजन, हेलोजन आपका यहाँ होगा, हेलोजन ग्रुप का मतलब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप 17, या फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, सेवन्थ ग्रुप, सेवन्थ ए ग्रुप, ठीक है। अब हेलोजन के बाद कौन आएगा बच्चों आपका, नोबल गैस, नोबल गैस यहाँ होगा बच्चों, नोबल गैस, नोबल गैस को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप 18, या फिर हम क्या बोलेंगे, ग्रुप 18, या फिर हम क्या बोलेंगे, जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप ये भी बोल देते हैं हम इसका नाम, ठीक है। ये मैंने सारे नाम बता दिए। अब देखो देख सकते हो आपके पीरियोडिक टेबल में, मैं अगर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करूंगा, क्या मूवमेंट करूंगा बच्चों, लेफ्ट टू राइट अगर मैं मूवमेंट करूंगा पीरियोडिक टेबल में, तो आपका क्या होगा, शो लोएस्ट, इन सब में से यहां से यहां मूवमेंट करूंगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो डेलिबरेटली आपका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका होगा, अल्कली मेटल का। तो अल्कली मेटल ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अल्कली मेटल आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ये डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो डी का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, तो सबसे कम किसका होगा, ए का, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी डील कर लिया। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या होगा बच्चों, काफी यूनिक क्वेश्चन है, काफी ज्यादा यूनिक क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। 65 तो कर लिया था ना, हाँ 64 कर लिया था, अब देखो 65, 65 क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल ऑफ सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इसका क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आयोनाइजेशन एनर्जी वन, आयोनाइजेशन एनर्जी वन, तो हम देख सकते हैं कि ये आपका स्टेबल होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ सोडियम, एक तो मुझे ये वाला मिल गया ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, ये क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, तो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन टू, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, दिस इज लाइक व्हाट, सोडियम एंड यहाँ पर Ie2। अब देखो यहाँ पर नोबल गैस है, यहाँ पर नोबल गैस नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं, Ie2 ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन Ie2 ऑफ मैग्नीशियम। नाउ यू कैन चेक द आंसर, सेकेंड इज, सेकेंड एन ए इज ग्रेटर देन, ये आपका मिल रहा है, तो ये आपका क्या आंसर होगा बच्चों, डी ऑप्शन, ठीक है। और कौन सा आपको मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा, फर्स्ट में आपका यहाँ पर फर्स्ट अगर एम ए होता, थर्ड ऑप्शन में अगर यहाँ पर सोडियम की तरफ होता तो आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को डील किया। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, देख लोगो, देख लेते हैं आप लोग। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि द स्क्रीनिंग इफेक्ट का, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एस पी डी एफ, बच्चों ये तो सीधा आपका किस में से, थियोरी में से, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मैंने ऑर्डर लिखाया था आपको, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट का मैंने आपको ऑर्डर लिखाया था, क्या लिखाया था बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट आपका क्या होता है, सबसे कम किसका होता है, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम किसका होता है, एफ ऑर्बिटल का, उसके बाद आपका डी का, उसके बाद आपका पी का, उसके बाद आपका एस का, तो ये आपका थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इंक्रीजिंग मेटालिक रेडी, मेटालिक, मेटालिक करेक्टर,
तो आपका फॉस्फोरस दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया हुआ है, ठीक है, सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम। अब देखो यहाँ पर सोडियम मतलब ग्रुप वन सोडियम दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप वन का आपको क्या दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, ठीक है, और ग्रुप टू का आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बेरिलियम। ग्रुप टू का आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, बेरिलियम, और यहाँ पर मैग्नीशियम दिया हुआ है, और आपका क्या दिया हुआ है ग्रुप ग्रुप 14 का आपको दिया हुआ है सिलिकॉन, और ग्रुप 15 का आपको दिया हुआ है बच्चों फॉस्फोरस। तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर आपका बढ़ेगा, तो मेटेलिक करेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा, इसका। अब डाउन द ग्रुप जाते तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो इसके बाद कौन आएगा, Mg, Mg के बाद ये आ जाएगा, नाउ फिर इसके बाद ये सब आएंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर Na का सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका Mg, Mg के बाद आपका बेरिलियम, बेरिलियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस। नाउ यू कैन चेक द आंसर, सोडियम मैग्नीशियम बेरिलियम सिलिकॉन फॉस्फोरस, दिस इज अ सिमिलर टू बी ऑप्शन। नाउ बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको यहां तक कंप्लीट समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं बच्चों तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 हमारा क्या बोला है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा बोला है द फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंड एनर्जी, आपको किलो जूल में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हुआ है, वेरी गुड। तो ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एलिमेंट वन टू थ्री फोर एंड दिस इज व्हाट फिफ्थ, ठीक है, ये मैंने एलिमेंट लिख दिया। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी वन लिख रहा हूँ, आप लोग डेल्टा एच वन भी मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 520 आपसे क्या पूछा है, 490 और क्या पूछा है, 1681 और आपसे 1008, ठीक है, 2372, ठीक है, ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मेरे पास कल ही आया और परसों मेरे पास किसी ने पूछा था बच्चों, किसी दूसरे सिटी के बच्चों ने मुझसे पूछा था ऐसा ही का क्वेश्चन, ठीक है। कोटा के एक बच्चे ने मुझे सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, मुझे आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए था, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। सिमिलर क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट अलग था बच्चों, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था, 4-6 और यहाँ पर 5-2 5-1, ठीक है, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ईजी, डेल्टा ईजी लिख देता हूँ मैं, डेल्टा एच ऑफ ईजी, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ ईजी। अब हम समझ लेते हैं, ये आपका -60, या आपका -48, या आपका क्या होता है 328, ये आपका क्या होता है -295, और ये आपका कितना होगा +48। और आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, आपका लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपका कौन सा होगा, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा वो आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, हाँ, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा वो आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो कौन सा होगा बच्चों, लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज व्हाट फिफ्थ, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाए कि हाँ लीस्ट रिएक्टिव आपका कौन सा होगा, फिफ्थ होगा, ठीक है, फिफ्थ होगा। और मुझसे पूछा जाए कि हाईली रिएक्टिव मेटल, तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल, मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन, हाईली रिएक्टिव मेटल आपका कौन सा होगा, तो आप जल्दी से बता सकते हो बच्चों, फर्स्ट, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते तुरंत तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, और ये आपका किसकी तरह प्रॉपर्टी रखता है, अल्कली मेटल, आप लोग अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मुझसे बोला कि हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के लिए हम कौन सी कैटेगरी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हाईली रिएक्टिव कौन सा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल इज थर्ड, एंड अगर मुझसे पूछा लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, आपको देखो एक्स्ट्रा कितने सारे क्वेश्चन मिल गए, यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, यही क्वेश्चन मुझसे उस बच्चे ने पूछा था जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल आपका किसका होगा, जिसका जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका क्या होगा बच्चों, बहुत कम, मतलब पॉजिटिव में होगा, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन में दे ही नहीं सकता। तो नॉन मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये इजिली कर लेगा, तो इसीलिए इसका क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ आपका क्या होगा बच्चों, लीस्ट रिएक्टिव होगा, फिफ्थ आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा, और लीस्ट रिएक्टिव तो ये आपका थोड़ा बहुत नॉबल गैस की तरह लगेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 69। वेरी गुड क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, Na2O, Na2O बच्चों क्या है, जहां पर मेटल है, मेटलिक करेक्टर ज्यादा होगा तो ये आपका बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, एसिडिक नहीं होगा, ठीक है, एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बी, बी तो आप लोगों को नहीं आएगा बच्चों, तो कोई बात नहीं, इसको हम समझेंगे थोड़ी देर बाद, कोई बात नहीं। आपसे क्या पूछा है, देखो Cl2O, देखो आपको क्या क्या बोला था, नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर का होगा, तो ये आपका एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, Na2O आपका बेसिक ऑक्साइड होगा, डी आपका Na2O आपका बेसिक नहीं न्यूट्रल ऑक्साइड होता है बच्चों, मैंने आज ही कल ही लिखाया था, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ठीक है, Na2O आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। अब ये आपका क्या होता है, एम्फोटेरिक, ये आपका क्या होता है बच्चों, एम्फोटेरिक, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बच्चों, सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यहाँ पर आपको दिया हुआ एसिडिक, यहाँ पर होना क्या चाहिए था बच्चों, बेसिक, लेकिन आपको क्या दिया हुआ, Na2O इज एसिडिक, तो ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एसिडिक और यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेसिक, ऑप्शन में यहाँ पर एसिडिक, यहाँ पर बेसिक और यहाँ पर आपका एसिडिक, यहाँ पर आपका एसिडिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देख लेता हूँ, बेसिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेसिक, बेसिक तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बेसिक तो 100% नहीं होगा, एसिडिक हो सकता है लेकिन बेसिक एक बार नहीं होगा, ये तो आप लोग चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, काफी इजी पेपर है, काफी इजी मजेदार है और काफी इजी पेपर है। अब देखो 70 में मेरा पीरियोडिक टेबल बना पाना बच्चों काफी मुश्किल है, तो मैं पीरियोडिक टेबल नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। देखो आपको क्या बोला है कि 70 क्वेश्चन में आपसे पूछा है पीएच ऑफ हाइड्रोक्साइड, 70 क्वेश्चन में पीएच ऑफ हाइड्रोक्साइड, पीएच ऑफ हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, मतलब OH माइनस, पीएच ऑफ हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस। अब देखो OH माइनस के पीएच हम कैसे निकालेंगे समझना, पीएच ऑफ OH माइनस, OH माइनस का पीएच आपको निकालना है। देखो पीएच क्या होता है, जो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को बताए, तो यहाँ पर जैसे जैसे आपका pH 1 to 11, 1 to 14, मैं आप लोग जान सकते हो बच्चे, इसको 0 to 14 वैल्यू होती है, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेंगे तो आपका pH की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब आपका बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर आपका मतलब pH की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इस तरफ आपका बेसिक होगा, इस तरफ आपका एसिडिक होगा। ठीक है, ना ना यहाँ जाएंगे तो आपका OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और यहाँ पर H प्लस आयन का, तो इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर H प्लस का बढ़ेगा, यहाँ पर OH माइनस का बढ़ेगा, तो यहाँ पर H प्लस का कम होगा, यहाँ पर आपका H प्लस का क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर OH माइनस का, यहाँ आपका कम होगा। तो आपका pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, मतलब जितना ज़्यादा H प्लस बढ़ेगा माइनस साइन की वजह से pH उतनी कम हो जाएगी, pH उतनी कम हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ जाने पर, यहाँ से यहाँ जाने पर H प्लस अगर कम होगा तो pH आपका बढ़ेगा, pH आपका बढ़ेगा तो pH आपका किसके लिए बढ़ेगा बच्चों, बेसिक के लिए, बेसिक के लिए आपके pH की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा बेसिक होगा उतना ज़्यादा आपका pH बढ़ेगा और जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा पीएच आपका कम होगा। तो देखो बच्चों बेसिक कौन सा होगा, देखो एक एक आपको टी ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों आपका अल्कली मेटल में, अल्कली मेटल वाले में, ठीक है, और फॉस्फोरस आपको दिया हुआ है बच्चों ग्रुप 15 में,
फास्फोरस आपको क्या दिया हुआ है, ग्रुप 13 में, सॉरी, और आपको दिया हुआ है एक्स, आपको दिया हुआ है बच्चों ग्रुप ग्रुप 17 में। तो यहां से यहां मूवमेंट करेंगे तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाएगा। और यहां से यहां जब मैं मूव करूंगा तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां से यहां तक अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपका बढ़ चुका है, जब यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपका बढ़ गया है तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड भी यहां पर बढ़ेगा, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड भी यहां पर बढ़ जाएगा, सिंपली बोल सकते हैं। आप लोग देख सकते हो ना बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताया था ना, टी ओ एच एक्स ओ एच करके पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड से, उससे भी आप बता सकते हो, यहाँ से आपका एच प्लस आपका ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, ये वाला बॉन्ड आपका मोर पोलर होगा, और ये वाला बॉन्ड आपका क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ मोर पोलर होगा, ठीक है। और मोर पोलर होने की वजह से, मोर पोलर होने की वजह से यहाँ से ओ एच माइनस रिलीज होगा, यहाँ से आपका एच प्लस रिलीज होगा। अब देखो ओ एच माइनस रिलीज होगा तो यहाँ पर बेसिक होगा, और बेसिक होगा तो पीएच आपका किसका सबसे मैक्सिमम होगा, टी का, टी के बाद पी का, पी के बाद एक्स का, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 70 जो कि आपका काफी इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं बच्चों, जो कि आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मॉडिफाइड मेंडलिव पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 71, ये तो थियोरेटिकल है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इट कंसिस्ट 9 ग्रुप्स 7 पीरियड, रॉन्ग, 9 ग्रुप्स नहीं, इसने आपका सेवन सेवन ग्रुप रखा था, और यहाँ पर 7 ग्रुप और 6 पीरियड, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन है जो कि आपका क्या बच्चों, रॉन्ग है, ठीक है, मैंने आपको करेक्ट लिख के बताया, ठीक है। बी ऑप्शन क्या बोला है, ग्रुप 15, ग्रुप 8, 8th ग्रुप, सॉरी, यहाँ पर 8 ग्रुप लगा था और 7 पीरियड बनाया था, यह गलत लिख दिया था बच्चों मैंने। देखो ग्रुप 8 लाइक टू बी लाइक ग्रुप हैज बीन डिवाइडेड इंटू टू सब ग्रुप, ठीक है, ग्रुप 8 लाइक, नॉट करेक्ट, देखो ग्रुप 8 आपका लाइक ग्रुप मतलब इसी की तरह आपको 1 to 7 की तरह इसको डिवाइड किया गया है, 7 पीरियड, 9 ग्रुप्स नॉट करेक्ट अबाउट मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मेंडलिव ग्रुप की बात किया है ना, तो यहाँ पर बच्चों आपका 9 ग्रुप होगा, मॉडिफाइड में आपका 9 ग्रुप होगा, एक आपका 0 ग्रुप भी आ जाएगा, एक आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा बच्चे, 0 ग्रुप, मॉडिफाइड में आपका हेलोजन को भी जगह मिला है तो वहां पर आपका 0 ग्रुप भी आ जाएगा बच्चों, टोटल आपका 9 होगा, 8 ग्रुप तो हम नॉर्मल लिखते हैं, 8 ग्रुप तो हम नॉर्मल लिखते हैं, प्लस 0 ग्रुप, 0 ग्रुप कौन सा बच्चों, आपका इनर्ट गैस का, ठीक है, इनर्ट गैस का भी आ जाएगा मॉडिफाइड में, ठीक है, मॉडिफाइड का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर 1 to 8 में ए टाइप से और यहाँ पर बी टाइप से डिवाइड करते हैं, तो बोला गया है कि एट क्या एट्थ को भी इसकी तरह डिवाइड करते हैं, नहीं, एट्थ को हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से एक साथ लिखते हैं, इसमें हमने कोई डिवीजन नहीं किया था, इसमें हमने कोई डिवीजन नहीं किया था मेंडलिव पीरियोडिक टेबल में, आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब आपका सी ऑप्शन क्या बोला है कि आपको क्या बताया था, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो ये हो जाएगा बच्चों, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट इट्स वैलेंसी, नहीं बच्चों, वैलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर, वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, इट शोज इट्स वैलेंसी, वेरी गुड, ठीक है, इट्स वैलेंसी, ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट बी, ग्रुप फर्स्ट बी के एलिमेंट को कॉइनेज मेटल बोलते हैं, बिल्कुल सही, कौन कौन से होते हैं बच्चों कॉइनेज मेटल, कॉबर, कॉपर, AgAu इज कॉइनेज मेटल, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, मैंने आपको लिखा रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 विल बी व्हाट, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉर एलिमेंट ऑफ फॉर फिफ्थ बी एलिमेंट आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, बिल्कुल करेक्ट, बी ग्रुप आपका ट्रांजिशन में आता है,
बस आपका कौन सा ग्रुप नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा, ध्यान से समझना, बी के सारे होंगे, केवल और केवल एक्सेप्ट एक्सेप्ट सेकंड बी एलिमेंट लाइक जेड एन सी डी एच जी इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान रखना। अब फिफ्थ ए ग्रुप आर ऑल आर मेटलॉइड, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए स्टेटमेंट आपका सही है। बी स्टेटमेंट क्या बोला है, फिफ्थ ए ग्रुप आपका मेटलॉइड, फिफ्थ ए ग्रुप का मतलब फिफ्थ ग्रुप का मतलब आपका कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 मतलब आपका हो जाएगा नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये सारे मेटलॉइड है, नहीं इन नॉट नॉट मेटलॉइड्स, ये आपके मेटलॉइड्स नहीं है, इट्स नॉट अ मेटलॉइड्स, इट दे आर नॉट अ मेटलॉइड, सॉरी दे आर नॉट मेटलॉइड्स, दे आर नॉट मेटलॉइड्स, ठीक है। अब ये तो स्टेटमेंट गलत है, मतलब फॉल्स निकालना था तो सही हो गया। सी सी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड वे आर नॉर्मल एलिमेंट, नहीं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए आपका नॉर्मल एलिमेंट नहीं होता, ये आपका कौन सा होता है बच्चों, मैंने आपको बोला था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है और बाकी सारे नॉर्मल होते हैं, ठीक है। डी आपका क्या बोला बच्चों, यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ए ग्रुप आर नाइदर स्ट्रांगली नेगेटिव नॉर स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, सही बात है। कार्बन आपका +4 भी शो करता है और कार्बन आपका -4 भी शो करता है, तो दोनों आपका हो सकता है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है, नाइदर नाइदर स्ट्रांगली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 2 से 3 बार आपको करना चाहिए, नाइदर स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव नॉर इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थियोरी वाले आप लोग एक बार क्वेश्चन फिर से कर लेना बच्चों, ताकि आपके थियोरी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। थियोरी में कुछ पॉइंट हम लोग भूल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके अलावा कोई पॉइंट हमसे छूट नहीं सकता बच्चों, ठीक है। अभी केमिकल बॉन्डिंग अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, वो तो और इंटरेस्टिंग बनेगा बच्चों हमारे लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 73 इज अ डेलिबरेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको MgO SRO K2O और आपको किसके बीच बताना है, NiO। अब देखो यहाँ पर ग्रुप ग्रुप कौन कौन से, ये तो आपका डी ब्लॉक है, छोड़ दो इसको। तो अब देखो ग्रुप फर्स्ट फर्स्ट में ग्रुप फर्स्ट में कौन आता है, पोटेशियम जो कि फोर्थ पीरियड का है। ग्रुप सेकंड में आपका कौन आता है, Mg आपका सेकंड पीरियड, यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, ठीक है, पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो आप लोग जानते हो मेटालिक करेक्टर आपका पोटेशियम का ज़्यादा होगा, तो पोटेशियम आपका ज़्यादा बेसिक, उसके बाद आपका इन दोनों में नीचे जाएंगे तो आपका मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा तो स्ट्रोंशियम हो जाएगा, देन आफ्टर आपका MgO हो जाएगा और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, NiO, दिस इज अ व्हाट, बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका, बी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 74 आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग IP इन द फॉलोइंग इक्वेशन इन्वॉल्व्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो K+2 K2++E, जहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आपका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पर यही इसका होगा जो कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पर क्या है, K आपका क्या है, प्लस में है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑलरेडी ऑलरेडी रिमूव्ड हो चुका है, ऑलरेडी रिमूव्ड, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका ऑलरेडी रिमूव्ड हो चुका है। अगर मैं बात करूंगा Na में, तो Na में आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब C+2 में आपका क्या है बच्चों, C+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, तो यहाँ पर भी नहीं होगा,
ठीक है, यहाँ पर भी आपका नहीं होगा बच्चों, C+3 टू, हाँ ये हो जाएगा 2s2। ठीक है, s2 आ गया ना बच्चों, ये भी आपका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, हमको तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन देखना है और कुछ नहीं। कैल्शियम प्लस, अगर मैं कैल्शियम प्लस करता हूँ तो वो क्या हो जाता है बच्चों आपका, जल्दी बोलो। कैल्शियम प्लस का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहाँ पर 3p6, 4s1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम। आप देख सकते हो कहाँ पर आपका नोबल गैस बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज मोर करेक्ट। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं बच्चों कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 74 हो गया है, 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा क्या होगा बच्चों, इन एनी पीरियड द वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ 75 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन एनी पीरियड, किसी भी पीरियड के लिए बच्चों द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी पीरियड के लिए, देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे पहले आपका आपका क्या बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, पहले आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, मैंने बताया था एनर्ट पेयर इफेक्ट, और फिर बाद में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर देख लो ऑक्सीडेशन नंबर, फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, इंक्रीज 1/1 फ्रॉम फर्स्ट ए टू इन एनी पीरियड, एर एनी पीरियड में बच्चों, एनी पीरियड में पूछा है तो हमने ग्रुप में निकाल लिया। एनी पीरियड में अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ए टू फिफ्थ ए, तो आपका क्या होता है बच्चों, आपका इंक्रीज होगा। कैसे होगा इंक्रीज, फर्स्ट का आपका क्या बनेगा, एमओ बन जाए, M2O बन जाएगा, फिर इसका MO2 बन जाएगा, फिर इसका M2O3 बन जाएगा। इस तरीके से आपका बनता रहेगा, इस तरीके से आपका बनता रहेगा, फिर बन जाएगा MO बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर MO बनेगा, यहाँ MO2 बन जाएगा, फिर यहाँ पर M2O5, फिफ्थ ए तक तो आपका बढ़ेगा। उसके बाद फिर बेटा क्या होना स्टार्ट होगा, डिक्रीज होना। उसके बाद आपका फिर अगर मैं बात करूँ सिक्स्थ ए से, अगर ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों, सिक्स ए से सेवन्थ ए तक आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे होगा, इन द सेंस यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका M2O3 कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका MO कुछ आ जाएगा, MO2। तो फिर देखो पहले इंक्रीज हुआ, फिर वापस डिक्रीज हुआ, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 76। हु गेव एवर फर्स्ट पीरियोडिक लॉ बच्चों, कौन सा, डोबेराइनर, डोबेराइनर या मेंडलीव, जल्दी बताओ। 76 पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ किसने दिया सबसे पहला, पीरियोडिक लॉ तो आपको किसने दिया, पीरियोडिक लॉ तो सबसे पहला किसने निकाला था, मेंडलीव ने निकाला था ना, डोबेराइनर ने तो तरीका बताया था, मेंडलीव से हमारा पीरियोडिक लॉ आया था, तो मेंडलीव इसका करेक्ट आंसर है। नाउ 77, 77 आपका क्या होगा, करेक्ट आयोनिक रेडियाई। देखो बच्चों F-O2- और Na+, Na+ का कम होगा लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर होगा O2- F- और Na+, दिस इज अ करेक्ट। तो पहला आपका इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो बी ऑप्शन हमको बोला है Al+3, Mg+2 और N3-। ठीक है, अब देखो सबका सब सब आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ई अपॉन पी रेशियो निकालेंगे तो इसका ज़्यादा होगा, देन आफ्टर आपका इसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक्चुअली में इस तरीके से ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन आपका होना क्या चाहिए था, Al+3, यहाँ पर Mg2+, यहाँ पर N3-, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। अब चलते हैं बच्चों सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन में H-, H और H+, आप सिंपली देख सकते हो कि न्यूट्रल से ज़्यादा होता है, तो सी आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं बच्चों हम, डी ऑप्शन आपका Na+, F-, O2-, बच्चों यही तो है, यही तो क्वेश्चन है, O2- का कम दिया जबकि ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा O2- F- देन Na+, ठीक है,
तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसमें आयोनिक रेडियाई देख लिया, आप लोग भी देख सकते हो। अगर को किसी भी क्वेश्चन में एनी टाइप ऑफ डाउट अगर आपको आता है तो आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, एक्चुअली मैं कभी कभी बिजी होता हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं आपको डाउट नहीं बताऊंगा, मैं आपको डाउट बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लेके बच्चों, तो उसका थोड़ा सा वेट किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम इज सिमिलर टू। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे सिमिलर होगा? बेरिलियम का कितना होगा? ये आपका सेकंड ग्रुप का है, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बच्चों? जीरो होता है, जो कि किसके इक्वल होता है? नोबल गैस के इक्वल। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में नोबल गैस कौन सा है। आपको दिया हुआ है ए ऑप्शन में हीलियम, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बोरॉन, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है लिथियम, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको सोडियम। तो ओनली एक ही नोबल गैस है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ अब हम देख सकते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, सर हेनरी मोजले। एक्चुअली यहाँ पर सर हेनरी मोजले ने बच्चों यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड मोजले एटॉमिक नंबर ऑन एक्स एक्सिस, मोजले ने एटॉमिक नंबर को एक्स एक्सिस पे रखा। ठीक है, एटॉमिक नंबर को एक्स एक्सिस पे, और मैंने यहाँ 1 बाय लेमडा, और 1 बाय लेमडा आपका क्या होता है बच्चे? एक्चुअली में ये आपका अंडर रूट ऑफ इसके, मैंने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था। मैंने ये क्या बोला था? एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ऐसा बोला था, 1 बाय लेमडा, या फिर 1 बाय लेमडा आपका क्या होता है एक्चुअली में? वेव नंबर। वेव नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? इससे डिनोट करते हैं, और यहाँ पर आप इसके भी थ्रू हम बोल सकते हैं। तो यह आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों इसके लिए? इसके लिए आपका होगा ए ऑप्शन, आपका करेक्ट हो जाएगा, 479। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 80, देख लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 80 को बड़े प्यार से। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा क्या बोल रहा है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर दिया हुआ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन। तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन इसमें इसमें आप लोगों का एक्सेप्शन है, इसमें आप लोगों का एक्सेप्शन है, ये आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन है, तो फ्लोरिन का सबसे ज्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। नाउ यू कैन चेक द आंसर, जब हम आंसर चेक करेंगे तो फ्लोरिन का ज्यादा, ऑक्सीजन का कम, नाइट्रोजन का ज्यादा, करेक्ट। तो आपका सी ऑप्शन इससे सिमिलर है। ठीक है, 80 हो गया। अब नाउ हम चलते हैं 81 क्वेश्चन, बच्चों काफी आसान क्वेश्चन दिए हुए, इनकरेक्ट इनकरेक्ट मतलब, अब देखो बच्चों जैसे ही डी ब्लॉक में मैं यहाँ से यहाँ मूव करूंगा, डी ब्लॉक में ध्यान से समझना, डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और आयोनिक रेडियाई बच्चों यहाँ से यहाँ आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन आपको बताया था बच्चों मैंने, साइंस टीचर विनीता कपूर मन फेकोनी, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपकी साइज क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। ठीक है, मन फेकोनी, इनका साइज अप्रोक्सीमेट क्या होता था बच्चों? सिमिलर बताया था, और क्यों जान जलाती हो? यहाँ पर साइज आपका इंक्रीज होगा, और यहाँ यहाँ पर साइज आपका इंक्रीज होगा, और यहाँ पर साइज आपका डिक्रीज होगा। तो इसी तरीके से आयोनिक रेडियाई का भी ऑर्डर लगा सकते हो। Mn+2 का साइज आपका क्या होगा बच्चों? Mn+2 का साइज आपका सबसे बड़ा होगा एज कम्पेयर टू वॉट? आयोनिक रेडियाई, तो Mn+2 इन सब में सबसे बड़ा, निकल का सबसे छोटा, देन आफ्टर कोबाल्ट, कोबाल्ट यहाँ आ गया, फिर Fe यहाँ आ गया। तो यहाँ तो सिंपल बोल सकते हैं बच्चों, Mn, Fe, कोबाल्ट, Ni। तो इसने क्या बोला है बच्चों यहाँ पर कि कौन सा आपका इसमें इनकरेक्ट है? तो Mn वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, Mn+2 वाला आपका क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। Mn+2 वाला आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, Mn+2 वाला आपका करेक्ट होगा। नाउ Ni+2 वाला, उसके बाद आपका आ जाएगा Co+2 वाला, उसके बाद आपका आ जाएगा Fe+2 वाला। तो आयोनिक रेडियाई सबसे ज्यादा किसका होगा? Fe+2 का। Fe+2 के बाद आपका किसका होगा बच्चों? यहाँ पर कोबाल्ट के बाद, कोबाल्ट के बाद आपका किसका आएगा? निकल। फिर सबसे कम साइज किसका होगा? मैग्नीज का। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना, हर जगह अलग अलग होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर यही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हम अप्रोक्सीमेट करेक्ट मानेंगे। नाउ बेसिक नेचर, बेसिक नेचर आप देख सकते हो फेरस,
सी ए ओ मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर एम एन ओ और सी ओ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बेसिक नेचर आपका इस तरीके से होगा, मतलब सी ए ओ का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ एम एन ओ मतलब मेटेलिक करेक्टर आपका यहाँ से यहाँ डिक्रीज होगा, तो एम एन ओ का ज़्यादा, फिर उसके बाद आपका किसका एफ ई ओ का, फिर उसके बाद आपका सी यू ओ का, सी यू ओ के सी यू ओ का सबसे कम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो नॉ मेटालिक करेक्टर कम होता है, तो आप देख सकते हो मूव करके मेटालिक करेक्टर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। इसका मतलब आपका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, सी ए ओ। ठीक है, ठीक है। अब देखो पहला, इसमें इसमें पहला ऑप्शन मैंने चेक नहीं किया, तो पहले ऑप्शन में बच्चों स्कैंडियम +3, ठीक है, क्रोमियम +3, Fe+3 और यहाँ पर Mn+3। अब आयोनिक रेडियाई की बात किया तो स्कैंडियम से क्रोमियम जाएंगे तो साइज छोटी होगी, तो साइज छोटी होनी चाहिए डेलिबरेटली, तो इसका ये सब होगा। अब Fe में साइज, Fe और Mn, Fe और Mn में Mn का साइज और छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका आना चाहिए Mn, Mn+3 और यहाँ पर आपका आना चाहिए सबसे बड़ा साइज इन सब में Fe+3। तो सबसे ज़्यादा साइज आपका किसका हो जाएगा बच्चों, स्कैंडियम क्रोमियम मैग्नीशियम, देन आफ्टर सबसे ज़्यादा साइज होगा एफ ई का, उसके बाद स्कैंडियम क्रोमियम मैग्नीशियम। ठीक है, सबसे बड़ा साइज आपका हो जाएगा एफ ई का और उसके बाद स्कैंडियम क्रोमियम मैग्नीज, तो यहाँ पर मैग्नीज का साइज सबसे छोटा, ठीक है, फिर एफ ई का बीच में दिया हुआ है जबकि एफ ई का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 82, नोट टू द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इट है इट रिफ्लेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp(d(f) और ऑर्बिटल। नहीं, इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि sp(d(f) ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बाय एनर्जी, फिल्ड बाय एनर्जी एनर्जी और एन प्लस एल रूल। ठीक है, तो इससे हम सीक्वेंस से नहीं पता लगता। ठीक है, इट हेल्प टू प्रिवेंट द स्टेबल वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो सकता है, मोर करेक्ट है, ये आपका मोर करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेबल वैलेंसी पता लगाने के काम आ जाता है, स्टेबल वैलेंसी भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट द ट्रेंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब यहाँ पर इट रिफ्लेक्ट द सिक्वेंस, रुक जाओ, नॉट ट्रू पूछा है ना, तो ध्यान से समझना बच्चों यहाँ पर, कि मेरे यहाँ पर एनर्जी से बढ़ते और यहाँ पर सिक्वेंस के हिसाब से भरा है ना, एस, एस के बाद डी, डी के बाद पी ऑर्बिटल और इनके बीच एफ ऑर्बिटल, ऐसा बनाया गया ना बच्चों, ये सीक्वेंस के हिसाब से बनाया गया आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपका कुछ ऐसा बनाया गया बच्चों सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से पीरियोडिक टेबल आपका कुछ ऐसा बनाया गया है बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल आपका कुछ ऐसा बनाया गया, ये एस और ये बीच वाले डी और ये आपका पी और यहीं से आपका एफ निकलता है, ऐसा कुछ बनाया गया था पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल सही है, इट हेल्प टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। स्टेबल वैलेंसी, वैलेंसी स्टेबल वैलेंसी तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। इट रिफ्लेक्स ट्रेंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सही है बच्चों, ये आपके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स को पता लगाने के काम आएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था ना पीरियोडिसिटी क्या होता है, तो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिल्कुल करेक्ट है। पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। अब आपसे पूछा है इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव आयोनिक कैरेक्टर बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, सही है बच्चों, मेटल इस तरफ नॉन मेटल, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों, डी आपका, बी आपका इनकरेक्ट है। नाउ अब हम चलते हैं 83 क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम पीरियड। बच्चों देखो कॉपर निकल जिंक, ये आपका सेम पीरियड में बिलोंग करता है बच्चों, फोर्थ पीरियड। ठीक है, ये आप सिंपली देख भी सकते हो, ठीक है, और बाकी कोई भी आपका बिलोंग नहीं करता, ये आपके ग्रुप में बिलोंग करते हैं या इधर उधर। ठीक है,
अब आपसे पूछा है द फर्स्ट आईपी लोएस्ट फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर, मतलब 84 का आपको आईपी निकालना है, आयोनाइजेशन पार्ट पोटेंशियल, फॉस्फोरस, बोरॉन, फ्लोरीन और एस, इन सब में से सबसे लोएस्ट कौन सा होगा? तो एक बार हम पता करते हैं। तो देखो, ग्रुप 13 का एलिमेंट है बोरॉन, ग्रुप ग्रुप आपका जी आर पी लिख देता हूँ, ग्रुप 15, ग्रुप 14 का नहीं है, ग्रुप 15 का आपका क्या है बच्चों? फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का, ग्रुप 16 का आपका कौन सा बच्चों? थर्ड पीरियड का सल्फर, और ग्रुप 17 का आपका कौन सा बच्चों? आपका सेकंड पीरियड का फ्लोरीन। तो मैंने आपको बोला था डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी क्या होगा बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपका फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन के बाद आपका कौन आएगा बच्चों? यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, देन आफ्टर क्या आएगा? सल्फर, सल्फर के बाद आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आपका आ जाएगा बोरोन, ठीक है? बोरोन, और रुको रुको, बोरोन, बोरोन के बाद बच्चों ये आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से ये आपका हो जाएगा, ठीक है? ड्यू टू द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। नाउ अब आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी आंसर इज मोर करेक्ट, ठीक है? डी आंसर इज मोर करेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर ले पूरा। क्वेश्चन नंबर 85, अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच वन हैज द हाईएस्ट कैटायन एंड एनायन साइज रेशियो। देखो 85 मतलब हाईएस्ट कैटायन एंड एनायन साइज रेशियो। अब देखो कैटायन यहाँ पर आपका CS+ और एनायन, देखो एनायन आपका छोटा है, स्मॉल है, रेशियो बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? नीचे स्मॉल, ऊपर क्या चाहिए? बिगर वैल्यू। ऊपर क्या चाहिए? बिगर वैल्यू, नीचे स्मॉलर वैल्यू। तो किस में होगा? CSF में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, CSF में ऐसा हो सकता है। क्या CSI में हो सकता है? नहीं, इसमें दोनों बड़े हैं, दोनों बड़े हैं, ठीक है। LIF में दोनों छोटे हैं, LIF में दोनों छोटे हैं, नहीं हो सकता। और NAF में उतने इसके कंपेरेबल नहीं है, ठीक है? तो आपका क्या आ जाएगा? सीजियम और फ्लोरीन का इस तरीके से, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 आपका क्या बोलता है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डेफिनेशन के हिसाब से कौन सा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक्स माइनस गैस बना दे। अब देखो ए ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? X2 दिया हुआ है जो कि नहीं होगा, और बी ऑप्शन में आपका यहाँ पर X+ दिया हुआ है जो कि X बना रहा है। ये भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम सबसे करेक्ट किसको मानेंगे? X2 X- कन्वर्जन को, ठीक है? X2 X- कन्वर्जन को ज्यादा का करेक्ट मानेंगे, ठीक है? बी ऑप्शन इज मोर करेक्ट, बी ऑप्शन इज मोर करेक्ट, ठीक है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों? काफी इजी है। 87 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन कार्बन फैमिली ग्रुप 14। ग्रुप 14 का क्या बोला है? स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन। अच्छा देखो 87 आपका कंप्लीटली इनर्ट पेयर इफेक्ट पे डिपेंड है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पे आपका डिपेंड है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब नीचे की ओर मूव करेंगे तो आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होगा। आप देख सकते हो यही क्वेश्चन आज ही कल ही मैंने पढ़ा है। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आपका स्टेबल होता है, और कार्बन फैमिली का लोअर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों? +2। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नहीं बढ़ेगा, ए ऑप्शन बढ़ेगा, बी ऑप्शन एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, लेकिन ये आपका सही होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है? एटॉमिक रेडियाई आपका क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा, बढ़ेगा, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है? मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर भी आपका क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी आपका डिक्रीज होगा। तो आपका कौन सा? सी ऑप्शन इज मोर करेक्ट, 87। नाउ 88 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 हमारा क्या बोला है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसके नीचे,
अब आप देख सकते हो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, उसके बाद आपका बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम। अब आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन आपका कौन सा है, नाइट्रोजन आपका थर्ड, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, आप देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा बच्चों, सेकेंड, सेकेंड के बाद आएगा आपका आ जाएगा थर्ड, थर्ड के बाद आपका आ जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आपका आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए से सिमिलर खा रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों 89 क्वेश्चन, 89, 89 हमारा क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, एनायन फॉर्म करने का स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी, जो नॉन मेटल होंगे वो आपके एनायन फॉर्म करने के स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी रखेंगे, हैव अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, ठीक है। एनायन आपके कौन बनेंगे, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स का सीरीज में कौन आ गया बच्चों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्वेश्चन सॉल्व इसको इस तरीके से करेंगे, आप लोग इतना दिमाग मत लगाना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगाने लग जाओ, नहीं, इसको तरीके से, एनायन आपके कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को ही आपको क्या माना था बच्चों, ये आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एटॉमिक नंबर को ही आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज माना था। तो 90 का क्या आ जाएगा बच्चों, आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ इस तरीके से हमारा पेपर था, जो कि हमारा काफी इजी था, लास्ट में क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हुए, आई होप सो कि इसमें आप लोगों ने, अगर आपने 45 में से अगर आपने 35 क्वेश्चन करेक्ट किया तो दिस इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने 35 से 30 से लेस किया, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, ये आपका अच्छा नहीं है, आप लोगों को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जिसने 35 से अच्छा किया, 35 से ज़्यादा किया, उसके लिए तो बच्चों क्या मिलेगा बच्चों, आप लोगों को एक्सीलेंट मेरी तरफ से, ठीक है। तो आप लोग खुद से अपने ईमानदारी से आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में, इस पेपर में आपको 45 में से 35 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ये आपका करेक्ट वाला है, मार्क्स नहीं है, करेक्ट आपके इतने होने चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है बच्चों। अगर ये आ रहा है तो आप समझिए कि आपका बहुत अच्छा गया है पीरियोडिक टेबल, अगर इससे कम आ रहा है, मतलब 30 से कम आ रहा है, तो आपको एक और बार थियोरी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका 35 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 40 के रेंज में, वो तो आपका बहुत अच्छा, फार बेटर है। तो आप, अगर आपका ऐसा है, तो यहाँ पर आपको वन मोर टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा, वन मोर टाइम आपको इस चैप्टर को दे देना पड़ेगा, थोड़ा सा वन मोर टाइम एक और बार देना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको केवल और केवल आपके रिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको कंसल्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर केवल और केवल आपको अब रिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ध्यान से समझना, जो मैं पेपर डिस्कस किया है, वो आपको अपने नोटबुक में विद एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए। अगर आप लिखोगे तो आपको आगे जाके आपको अपने सॉल्यूशन मिले रहेंगे, और जब आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे, रिवीजन के टाइम यही यही पेपर को आप क्या करोगे, देख लोगे, अरे ऐसा ऐसा था, ये रिवीजन कर लिया, मतलब सब कर लिया, ये पेपर ऐसा था कि कंप्लीटली पीरियोडिक टेबल आ चुका है इसके अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को अगर रिवीजन कर लोगे तो आपका पीरियोडिक टेबल का रिवीजन अपने आप हो जाएगा। तो एक बार पीरियोडिक, मेरी बात मानोगे तो एक बार आप पीरियोडिक टेबल का पूरा थियोरी पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन को डील करो, तो अपने आप आपका पीरियोडिक टेबल पे कमांड आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आप ऐसा करोगे। सो थैंक यू सो मच।